अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं अब तक काफ़ी अर्से से कोई वीडियो नहीं बना रहा और मेरे चैनल से, मेरे YouTube फैमिली से मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ। लेकिन आज एक ख़ास वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि आज एक ख़ास दिन भी है। तो उस ख़ास दिन को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन 6 महीनों में मेरी पहली वीडियो है पाकिस्तान आने के बाद, तो इस साल की भी ये पहली वीडियो है। तो यार क्या करें भाई, जॉब वाले लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक शौक़ भी है अपना जो कि पूरा कर रहे हैं। आज मेरे एक दोस्त जो मेरे साथ फ्लैट में रहते हैं उनकी आज बर्थडे है, तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। बिफोर टेलिंग कि मैं कहाँ पर आया हूँ, पहले उनको इंट्रोडक्शन देंगे फिर मैं आपको बताऊँगा हम कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम बुलाएँगे मिस्टर यासीन कमरानी। प्लीज़ कम यार, आ जाए सर। मेरी संगत है, ठीक है, और यासीन भाई जो है वो साथ ही रहते हैं। ही वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, बट मैं उसकी क्यों प्रमोशन करूं, क्यों सही कह रहा हूं सर? जी जी बिल्कुल। तो अब ये हो गए हमारे पहले, अब दूसरे को बुलाते हैं जो कि बर्थडे बॉय हैं आज के। आ जाए सर, ये हैं अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ अवैस रिवील करेंगे। अवैस हम कहाँ हैं? कैफ़े इमरान का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ कि कैफ़े इमरान इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही मज़े के खाने मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक फूड है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फूड है। 2 मिनट तक मैं बोल चुका हूँ लेकिन क्या करें ब्रो, जगह ही ऐसी है। खैर आज इनकी बर्थडे है तो आप इन्हें विश भी कर दें, हम भी कर देते हैं इनको विश। हम सेलिब्रेट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल गो इनसाइड और हम इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं कि फूड कैसा है, क्वालिटी कैसी है और यहाँ का जो हाइजीन है वो कैसा है, वो भी आपको बताऊँगा। इस रेस्टोरेंट की खास बात ये भी है कि कराची से, हैदराबाद से, इवन पूरे पाकिस्तान से और इंटरनेशनली भी लोग यहाँ पर आके विज़िट करते हैं। तो बता देता हूँ कितने कितने किलोमीटर पर अंदर बातें होती रहेंगी। आज अंदर चलते हैं, चलिए आप लोग अंदर चलते हैं। तो जैसा कि दोनों भाई अंदर जा रहे हैं, यार बेचारे ने मेरा बैग पकड़ा हुआ है बिकॉज इससे मेरा सारा इक्विपमेंट होता है। तो ये इनका जो है वीआईपी हॉल है, हम यहाँ पर आज खाना खाएंगे। सो वेरी क्लीन, वेरी नाइस, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ज़बरदस्त जगह इन्होंने हमें दी है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो बहुत, अब हम बैठते हैं, ठीक है भाई। हॉल आपने विज़िट कर लिया, कैसा लगा? ज़बरदस्त है ना, बहुत ही नीट एंड क्लीन वीआईपी इनका हॉल है। अक्सर लोग यहीं पे आके खाना खाते हैं जो इंटरनेशनल की, मैंने बहुत सारे लोग भी देखे हैं क्योंकि मैं बहुत दफ़ा यहाँ आ चुका हूँ। और आज मैंने कहा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली को भी यहाँ का दिखा दिया जाए। और साथ साथ मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मेरे भतीजे से। इज़ नॉट एक्चुअली माई भतीजा, बेसिकली मेरे दोस्त का भतीजा है तो मेरा भी भतीजा ही है। छोटा सा था माशाल्लाह, दाढ़ी वाड़ी आ गई है। और मुफ्ती साहब हैं, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। पहले इनसे मिलवाता हूँ फिर इनके बारे में और मज़ीद बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका नाम फहद है, फहद साहब मुफ्ती भी हैं माशाल्लाह से। और एक और चीज़ ये कि ये स्पिरिचुअल हील भी करते हैं, ऐसे ही है सर? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा जो है? ये आपकी आला जल्फी है, ज़रा नवाजी है कि मुझ जैसे छोटे बंदे को आपने अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया। क्या है, मैं बेसिकली थोड़ा सा फॉर्मल हूँ तो मैं तो इनसे ऐसे ही बात करूँगा, क्या बचपन से मैंने देखा हुआ है। लेकिन वैसे इसकी दाढ़ी देख के मैं समझ जा कि मेरी एज ज़्यादा है, लेकिन क्या है क्योंकि यार ये मेरा कॉलेज फ्रेंड था, उनके ये बल्कि है अल्हम्दुलिल्लाह महबूब, उनके ये भतीजे। साथ साथ इनके ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम करना है क्योंकि आपको मैं बहुत जल्द इनके हवाले से बताऊंगा और इनका कांटेक्ट, इनकी सारी चीज़ें। ये बहुत ही मुफीद होने वाला है इनका जो हम बनाएंगे इन कमिंग फ्यूचर अपना एक ब्लॉग। तो हम खाना ऑर्डर कर दें सर? बिल्कुल बिल्कुल आप करें, चलें सर। जाओ आप ना काम करते जाओ, स्टार्टर में चलो। ऑर्डर हमने दे दिया, ठीक है, और इसी के साथ अब हम चलते हैं, पहले तो केक काट लें जब तक ऑर्डर भी आ रहा है, और बाकी इनका वो भी विज़िट कर लेंगे किचन वगैरह। नहीं भाई आएँ जब तक, इनकी बेकरी दिखाते हैं आपको, ये बेकरी कैसी है, दिस इज़ द बेकरी। और बहुत ही डिलिशियस आइटम्स हैं इनके पास जैसा कि आप देख रहे हो, केक्स भी हैं, स्वीट्स भी हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तो हम कमेंट में तो कौन सा केक लेंगे बताओ? ब्रो मुझे जो केक पसंद है ना वो ये केक पसंद। अच्छा डिफरेंट ट्राई करना, चले हम ये ले लेते हैं सर। इस पर लिख दें हैप्पी बर्थडे अवैस। तो
केक का ऑर्डर हमने दे दिया है, कमरानी अंदर चला गया है और अब फहद भी आ गया है, हम ज्वाइन करेंगे मुफ्ती साहब के साथ। एक बहुत ही इनोवेटिव वीडियो होने वाली है ये और थोड़ा लंबी वीडियो होगी, ज़रूर देखना, हम पूरा कवर करेंगे इसको। जी जी, मैनेजर साहब भी आ गए हैं, इनसे मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अफजाल अहमद साहब, मैनेजर ऑफ। जी 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 जी, कैसे हैं सर आप? ठीक है, तो आप हमें सर विजिट करवाने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, विजिट कराएंगे बिल्कुल। अच्छा चलें सर, विजिट करना लेके चलें। आ जाए, आपको फॉलो करते हैं आप, चलें आप मिलेंगे। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि किचन की एंट्री के लिए आपको कुछ वेयर करना होगा। ये क्या है भाई, दिखाओ। ये क्या वेयर के बगैर आप किचन में नहीं जा सकते। मैं अपने आप को नहीं लेने वाला हूँ, ये पकड़े सर, हम पहन लेते हैं। आप भी पहनेंगे? नहीं चले, मैं तो अपने आप को इतना नहीं लूँगा क्योंकि मैं को भी मैं कुछ अजीब ही लग रहा हूँ। चले, यानी हाइजीन का आप लेवल देखो, लाजमी है। सो दैट इज़ वाई मशहूर है, ऐसी वजह नहीं है, ये वजह होगी। हाँ जी, बिस्मिल्लाह जी। हमारा बारबेक्यू स्कूल मसाला, देखें इनकी डेक्स, देखें कितनी साफ़ है, एक एक चीज़ आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत साफ़ है, नीट है, साफ़ देखिए मसाला। तो ये देखिए, ये क्लोज एरिया है, हर वक्त साफ करते रहते हैं, गंदगी बिल्कुल नहीं है। ये चाइनीज़ एरिया है इनका, ठीक है सर। रेट सर, रेट यू हैव स्टैंड के काम करते हैं सब यहाँ पे? जी जी जी, ये पूरा पास फोन। अच्छा, रेट 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 यार, मतलब क्लीन है यार आपका अफजाल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। चले और क्या दिखाएंगे, आए हम और अंदर चलते हैं। हमारा ये पिज़्ज़ा। अच्छा जी, तो पिज़्ज़ा भी बनता है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। ग्रेट पाकिस्तानी आइटम, ये मसाले वगैरह पाकिस्तान, देखो पाकिस्तानी आइटम जितने भी है यहाँ, नमकीन गोश हो गया, मटन फ्राई गोश हो गया, मटन कीमा, मटन कलेजी। ये हमारा वेजिटेबल सब्जी वगैरह, यहाँ वेजिटेबल के लिए। ओके यार, सलाद वगैरह यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट। हमारा यहाँ स्टोर है सब्जी वगैरह, ये जितने सलाद वगैरह बनी हुई है। अच्छा, वो यहाँ पे बनाई जाती है। ये एयर कंडीशन बिल्कुल, ये एसी के अंदर, ताकि वो प्रिजर्व भी रहे, क्वालिटी इसकी मेंटेन रहे। ये हमारे बंदे ये कैफे इमरान बनाए जाते हैं, बहुत बेहतरीन है, हम खुद अपने हाथ से बनाते हैं बर्गर बंद वगैरह सारी चेक करने हमें। स्पेशल है कढ़ाई का, बहुत बेहतरीन। ये हमारे शेफ है इमरान साहब। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, इमरान भी कैसे हैं सर? ठीक है, इमरान भी बहुत लजीज बनाते हो आप यार खाना, माशाल्लाह। हम काफ़ी एक्सेस हासिल मिल गया हमें और काफ़ी कुछ जगहों पे जा रहे हैं भाई। देखिए समझ लें, आज कैफ़े इमरान का फुल विजिट है, ये फुल वीडियो ले क्या ना रूम है। दैट्स कूल माशाल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर ये हाल है कि आपको हर वक्त नीट एंड क्लीन रहना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या सर? इरशाद। इरशाद भाई, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। और एक बहुत यार, क्या हो यार आप लोग, ग्रेट, मतलब हर चीज़ जरूर साफ सुथरी रहना है। मैंने किसी रेस्टोरेंट में नहीं देखा आज तक। अभी देखा ना, टोपियाँ पहनी थी, ऑड लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेजर को भी टोपी बना दिया भाई। सर मैनेजर दूसरों को बनाता, हमारा ना बनाया। आज 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 चले। अब सर कैसे हैं, नाम क्या है सर आपका? नदीम अब्बास साहब, बहुत अच्छे अच्छे मीठे खिला रहे आप और बहुत नीट भी होते हैं माशाल्लाह से। थोड़ा सा प्लीज़ हमें आप दिखाएँ कि कढ़ाई में कितनी साफ़ है, क्या चीज़ें की साफ़ यार, इतनी मैंने घर पे भी नहीं देखी है साफ ना, लोगों के अक्सर घरों में भी इतनी साफ़ नहीं होती है, ऐसे ही सफाई का हम बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए यकीन करें अल्लाह ताला ने आप लोगों को नवाजा दिया है। ये लास्ट है हमारा, कुछ और भी इसके? ये लास्ट। अच्छा, ये लास्ट था, ये पे अब कैब आगे निकल के उतारते हैं क्या? हाँ जी सर, वो एक आपने फैमिली हॉल भी मुझे विजिट कर। हाँ चले चले चले। अच्छा, अभी भी हम आगे तंदूर पे जाएंगे। ये भाई हमारे साथ स्टाफ है, अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ये टीम है पूरी आपकी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी हाँ, बात है नहीं नहीं
और कोई काम नहीं है अंदर ही गए चले आ जाओ हम एक और बंदे से। अच्छा अभी बीच में फहद ने आके बोला है कि शकील साहब से मुलाकात करनी है तो चले उनसे मिलते हैं। अब तो कैब भी नहीं ली हुई, आप कैब लेकर आ जाए। मुझे अली कह रहा है यहाँ के शेफ से मिलवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। नाम क्या है आपका? शकील। शकील भाई ये जो मीठे खूबसूरत आइटम्स है, एक बाहर भी खड़े हैं नदी में बस। हाँ वो असल में बेकरी में टू टाइप्स के सेक्शंस होते हैं। अच्छा। एक तो जैसे ब्रेड बिस्किट्स वगैरह, और एक होते हैं सॉफ्ट आइटम्स जैसे आइस केक्स हो गए, जो थोड़े सेंसिटिव आइटम्स होते हैं, सेंसिटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा सेंसिटिव प्रोडक्ट बनाते हैं। आप खुद तो सेंसिटिव नहीं है ना सर? नहीं, खुद स्ट्रांग है माशाल्लाह सर। चलिए थैंक यू शकील भाई। केक्स वगैरह आप डिस्प्ले में देखिएगा, केक्स वगैरह इनके हाथ के बने हुए रखे हुए। दोबारा बोले, पेस्ट्रीज और केक्स आप देखिएगा डिस्प्ले में बाहर जो भी हमने खरीदा बाहर से। यहाँ पर प्रोडक्शन होती है और वहाँ पर जो है इनके हाथ के आपको केक बने हुए और पेस्ट्रीज वगैरह। आज हम खाने वाले हैं, वैसे उसकी बर्थडे है सर, आज हम खाने वाले हैं आपका केक। हम बताएंगे कैसा केक, बहुत अच्छे होते हैं हमारे। मैंने कॉफी वाला लिया, फर्स्ट टाइम डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं क्योंकि आपका कॉफी केक है, हमने वो बर्थडे है वो हमारे दोस्त की, तो हमने आज कॉफी केक बहुत अच्छे होते हैं हमारे, बस सर आप आज इंशाल्लाह बताएंगे आपको केक भी। हमने खाना तो खाया हुआ लेकिन केक भी बताते हैं। ठीक सर, थैंक यू। जा रहे हैं वहाँ फैमिली रूम, ये बहुत ही ज़बरदस्त, फैमिली वगैरह भी लेकर आना चाहें तो आप ला सकते हैं। यार ये तो आपने बड़ा सजाया है, माशाल्लाह बहुत सजाया माशाल्लाह से आप लोगों ने, वेरी नाइस माशाल्लाह से। ये पूरा ये जेंट्स पोर्शन है, उसके बराबर में फैमिली पोर्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हाला ये भाई हमारे सास मेहमान है, ये हमारे सिकंदर भाई बैठे हुए खाना खा रहे हैं। अच्छा ये आपके दोस्त हैं, चले इनसे ही मिल लेते हैं, आ जाए साथ ही आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? सिकंदर भाई ठीक हो? आ जा खाने पे। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सिकंदर भाई, हम भी बस आए हैं खाने के लिए। अच्छा और ये भाई भी उनके साथ बैठे हुए हैं, सर भी बैठे हुए हैं इनके साथ, कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? खाना कैसा है यहाँ का? मज़े का है। कहाँ से हो आप? बुहारों से। यार इतनी दूर से आए हो? बड़ी यार ज़बरदस्त। यानी जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि नॉट इवन घारो ठठा बुहारों से, कराची से, हैदराबाद से, बल्कि इवन पूरे पाकिस्तान से, क्या इंटरनेशनली भी यहाँ पर लोग आके खाना खाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। ये इनका मीट पोर्शन है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी सफाई से गोश्त भी काटा जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत ही यार सफाई से आप लोग चीज़ें करते हो यार, ग्रेट। और ये इनका रेफ्रिजरेटर है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत ही क्लीननेस से चीज़ें रखी गई हैं, बिल्कुल पैक की है, जो पैक की है। थैंक यू। चाय के दीवानों के लिए चाय भी अवेलेबल है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी टी बहुत बेहतरीन। साइन कौन बनाता है? ये हमारा साइन बादशाह चाय। जुमा उस्ताद कैसे हैं? खैरियत से? ऑल गुड सर, ज़बरदस्त, वाह जी वाह वाह, ज़बरदस्त। तंदूर पे लेके जा रहे हैं? जी जी जी, ये हमारा रोटी लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? माशाल्लाह यार बहुत ज़बरदस्त, साफ सुथरा, यहाँ पे भी सफाई यार, क्या बात है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू अफजाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया यार मुझे, थैंक यू सो मच। अब हम खाना खाते हैं और जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपने व्यूज़ को भी बताओ इंशाल्लाह। चलें जी चलते हैं यार, कैब उतार दो। अच्छा चल, वो देखा आपने कितना ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको एक एक जगह रेस्टोरेंट की दिखाई है यार, ऑसम एक्सपीरियंस। मैंने नहीं देखा कि किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा सफाई, क्लीननेस और हर चीज़ का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सर, सर भी पीछे से बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, सर को भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद पर शेख हूँ, बिल्कुल गारो सिटी से हम। अच्छा अच्छा, हम पहले बिल्कुल ये सोचते थे यार गारो या डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ हम अपने दोस्तों को ये क्लाइमेट चेंज दे सकें, जहाँ खाना खिला सकें, लेकिन कैफे इमरान आने के बाद हम बिल्कुल हैप्पीनेस हैं और हम इमरान भाई के बिल्कुल शुक्रगुजार हैं। ये खाना आने वाला है, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है यार, खाने के बाद आपसे, बाकी खाने के दरमियान भी और खाने के बाद भी आपसे बात। तो माशाल्लाह से खाना आ चुका है फाइनली, स्टार्टर प्लेट। ओके स्टार्टर प्लेट आ गई भाई, ज़बरदस्त, थैंक यू। बिस्मिल्लाह करें सर, स्टार्टर तो आ गया, बिस्मिल्लाह करें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लाटर है और सॉसेस भी हैं इसके साथ अगर आप लेना चाहें तो, और बहुत ही लजीज लग रहा है, खाकर बताते हैं कैसा है। चलिए पहले जो तोड़ते हैं, ये मैंने तोड़ा है इसको, नाइस सॉफ्ट है यार, बहुत मज़े का लग रहा है, खा के बताते हैं, ट्राई करते हैं और बताते हैं कैसा है। थोड़ा सा सॉस भी लेंगे हम, ट्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह,
बहुत जमी है, मुँह में जाती है घुल रहा है बहुत ज़बरदस्त है। सो इट्स अ हार्डी टाइम और अब हम इसको बिस्मिल्लाह करके अनपैक करते हैं। वाह जी वाह, देखें कौन सी हांडी ऑर्डर की आपने? ये हमने की है चिकन ढाका हांडी। ढाका हांडी यानी ठीक है, तो मतलब आपने कहा कि क्यों ना हम अपने पुराने कंट्री जो हमारे साथ का हिस्सा था बांग्लादेश वहाँ की भी कोई चीज़ ट्राई करी ना। जी गुड है, मतलब इंतजार में A1 यार, आज का खाना मज़ा आ गया। अभी तो पूरा खाया नहीं सर, अभी स्टार्टर में ही जो है ना वो हम पेट भर गए। हाँ जी कैमरे से कैसी बताएं कढ़ाई? चिकन ढाका हांडी बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया माशाल्लाह। चलो ना यार उन्हें तस्वीर कटी उन्होंने बहुत ही आला क्या खा रहे हो? चिकन फ्राइड राइस। कैसा? माशाल्लाह A1। हटके बात कर, हटके। तो एज़ यूजुअल जैसा कि आपको कहा था फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह केक आ गया और भाई की बर्थडे, चलो बिस्मिल्लाह करें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अवैस, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे ये क्या कहा था आपने वो तो बोला ही नहीं। टू यू हाँ यार, हमें से खिलाना चाहिए पहले। नहीं पहले हम आपको खिलाएंगे, मैं आपको खिलाऊंगा पहले। ना ना पहले मैं आपको खिलाऊंगा यार, जिस बर्थडे बॉय का हक पहले होगा। अब आप मुझे खिला दें पहले बड़े कमन सब साथ का पहले बड़े कैसा क्या ऑसम यार, बहुत मजे का सही तरीके से करते हैं। चलो अब इसको खिला दें। खैर बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मज़े का है और ये शकील भाई के हाथ का बना हुआ केक है, तो मैं खा के आता हूँ। मुँह में रख के घुल रहे हैं, बहुत मज़े का। कॉफ़ी का इट्स सेल्फ फ्लेवर आ रहा है, कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा है। कैसा लगा केक? बहुत अच्छा केक है। जब ये केक बन रहा था ना तो मैं बेकरी में किसी काम से गया था, वहीं पर था। ये स्पेशल फाद ने हमारे लिए बनाया केक, देखे ना यार, स्पेशल कॉफ़ी केक फॉर अस, थैंक यू फाद। केक खाते खाते हम बीच में एक चीज़ इतने मगन हो गए हम भूल ही गए कि सर मैंने और कमरानी साहब ने यासिन सरमाई साहब ने इनके लिए गिफ्ट लिया है। सो दिस इज़ फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू, थैंक यू। ये गिफ्ट है एक छोटा सा और ट्रीट हम इन्होंने हमें दिया ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ट्रीट हमने इनको दिया। तो भाइयों और दोस्तों, इट वाज अ प्लेजर एक्सपीरियंस एज यूजुअल, और इसकी बर्थडे ने हमारे चीज़ों को चार चांद लगा दिया, सोने पे सुहागा। और स्पेशल थैंक्स टू फहद के एक्सेस दिलवाया इसने मुझे सारे जगहों का, एंड अफजल साहब का भी कि जिन्होंने हमें पूरा टूर करवाया है इसका घरों का, रेस्टोरेंट का, कैफ़े इमरान का। वेल अब ये बताएंगे कि बहुत ही लजीज खाना है, बहुत ही आला खाना है, हाइजीन लेवल मैं कहता हूँ हाई लेवल। आई हैव बीन टू एज यू हैव सीन माई इन माई वीडियोज़ इन दैट आई हैव बीन टू लॉट ऑफ कंट्रीज़, लेकिन आप यकीन करें एक इंटरनेशनल लेवल का खाने का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तभी लोग आते हैं। सफाई बहुत ज़्यादा है, इवन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये देखकर हुई कि यहाँ पर आपके स्टाफ के लिए, अगर आपकी मतलब इन्होंने अपने स्टाफ के लिए एक बार्बर शॉप भी खोली हुई है, यार क्या बात है। तो आप जैसा कि जानते हो कि यार हमारी मुल्क के अंदर हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन अभी फहद ने मुझे बताया कि लॉन्ड्री भी है यहाँ पे, खाना फ्री है, सैलरी आप सिर्फ लेके जाते हो यहाँ पर
जो आपका आप कमाते हो, उसके अलावा कितना कुछ आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं इमरान भाई ना, बेसिकली ऑनर ऑफ इमरान भाई, अगर वो होते तो डेफिनेटली इनसे भी मिलवाते हैं, ऐसे ही सर? आप लोगों क्या एक्सपीरियंस रहा? बेहतरीन एंड वी आर बताएं हमें बहुत मज़ा आया। और अपना इससे पहले भी हमने एक दो दफ़ा जो ना वो यहाँ पे खाना खाया है, मगर आज अवेश भाई की बर्थडे की वजह से जो ना वो इस जो हमारी गैदरिंग हुई है उसको 4 चांद लग गए। थैंक यू अवेश भाई। कैफे इमरान घारों में है, कराची से 70 किलोमीटर्स पे और हैदराबाद से 135 किलोमीटर्स। तो अगर कोई भी हैदराबाद कराची से आना चाहे तो ज़रूर आए, विज़िट करें, बहुत ज़बरदस्त जगह है यार। फैमिली हॉल्स हैं, इवन इतनी क्लीननेस मैंने लोगों के घरों के किचन में भी नहीं देखी है जितनी मैं आज यहाँ देख कर आया। स्लॉटर हाउस यार ब्रो, स्लॉटर हाउस वॉज सो मच क्लीन, मतलब इट वॉज कोई खून के इतने धब्बे नहीं है, हर चीज़ क्लीन है, साफ सुथरे तरीके से रखी गई है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी इस एफर्ट को और मैं ज़रूर कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग ज़रूर आओ और यहाँ पर आकर के खाना खाओ। इकोनॉमिकल इनके जो है वो प्राइसेस हैं, खाने की बात कर लेते हैं, प्राइसेस की बात कर लेते हैं। 1590 का इनका प्लेटर था जिसके अंदर आपने देखा कितनी सारी चीज़ें थी, हम 4 बंदे ही मिलकर उसे ख़त्म नहीं कर पाए, फिर भी बच गया और बरकत थी ये कह लें, लेकिन ये कि बहुत ही मज़े का था। भूख तो हमें खैर बहुत लगी हुई थी लेकिन फिर भी उसमें बचा। हांडी थी 1490 रुपये की और 480 रुपये के फ्राइड राइस थे। तो अगर इकोनॉमिकल प्राइस में भी अगर आप खाना चाहते हैं तो आप आके फ्राइड राइस खा लो यार, 480 रुपये में इंजॉय करो, क्यों? और अगर इससे ज़्यादा जाना चाहते हैं तो आप आगे भी जा सकते हैं। केक 900 रुपये का था, बहुत ही लजीज केक था। इसी के साथ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज वीडियो और मुझे टाइम लग जाएगा इसको एडिट करने में, क्योंकि काफ़ी सारे शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे और मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। और मैं आज से इंप्रेस नहीं हूँ, बहुत पुराना इनका जो है वो कह लें कि कस्टमर हूँ और बहुत इन्जॉय करता हूँ जब भी आता हूँ यहाँ पर खाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे माई फ्रेंड वंस अगेन, और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू। एंड ज़रूर आना, ज़रूर आके खाना यहाँ पर, तुम लोग इन्जॉय करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप आओगे ना, आप लोगों के आफाक तुमने बिल्कुल सही चीज़ रिकमेंड की है। तो आपका भाई जो है हमेशा आपको अच्छी चीज़ें रिकमेंड करता है और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है पाकिस्तान की। तो इसी के साथ इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नहीं, इससे पहले एक और चीज़ है, ठीक है? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।